आज हम आए हैं स्वामी नारायण मंदिर जो कि भरूच में स्थित है और यहाँ पे अभी 3:30 बज रहे हैं। मंदिर चूँकि 4 बजे खुलता है इसलिए हम लोग आए थे नाश्ता पॉइंट पे, नाश्ता वगैरह करेंगे यहाँ पे। जो है भरूच स्टेशन से अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट की दूरी पे है अगर आपके पास गाड़ी है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो भी आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, वो आपको साइड में उतार देगा। वहाँ से आपको लगभग 1 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा और उसके बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे। मेन हाईवे पर है ये, मेन हाईवे पर, तो मेन हाईवे पर होने की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से गाड़ियाँ मतलब स्टेट हाईवे जो है वो चलता रहता है। तो अभी जब जैसे मंदिर खुलेगा हम डायरेक्ट अंदर जाएंगे, टाइम हो चुका है खुलने का और अब हम लोग चलने वाले हैं। तो ये था हमारा नाश्ता पॉइंट जहाँ हमने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद अब सीधा जाएंगे हम मेन गेट की तरफ क्योंकि 4 बजे खुलेगा और वहाँ से दर्शन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब उधर की तरफ ही चलते हैं, और चूँकि ये मेन हाईवे पे है, बहुत बढ़िया मंदिर है, लोगों से बहुत सुना है मैंने, तो अब उसके बारे में आगे देखते हैं कैसा है ये। गेट नंबर 4 से बाहर और ये इधर आ गए, ये आता है हाईवे। क्या करे भैया, तो फाइनली दोस्तों मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं 4 बजे। 4 बजे से 2-3 मिनट पहले ही खोल दिया भाई साहब ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं बहुत पहले से आया हुआ था और केवल दर्शन के लिए ही रुका हुआ था, तो उन्होंने खोल दिया। अभी हम लोग अंदर आ गए, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर क्या है। वैसा इसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत प्यारा है, अल्टीमेट, मतलब आप देखेंगे तो आपको खुद को मज़ा आ जाएगा। और एक तो हाईवे पे होने की वजह से आज थोड़ी भीड़ कम है, आज सैटरडे है और हो सकता है इस वजह से भीड़ कम हो, लेकिन संडे के दिनों में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। अभी भी लोग, कुछ लोग ऊपर हैं और इतना प्यारा लग रहा है यहाँ से आपको मैं बता नहीं सकता। तो चल के हम अंदर से देखते हैं कि वाकई कितना शानदार बना है ये, और मज़ा आएगा मतलब।